कन्नौज में जब एक बच्चा स्कूल से घायल अवस्था में घर पहुंचा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। घायल छात्र की मां ने स्कूल प्रबंधन पर बेटे को पीटने का आरोप लगाया और कहा कि मामूली बात पर उसके बेटे को पाइप से पीटा गया, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए मां अपने घायल बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची। ये घटना गुड़सायगंज सीएससी के पास एक स्कूल की बताई जा रही है। तो एक घायल बेटा स्कूल से घर वापस आता है तो मां और परिवार वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार बच्चा घायल कैसे है, बच्चा तो सुरक्षित स्कूल गया था। बाद में पता चलता है कि स्कूल वालों ने उसकी पिटाई करी है, पाइप से बेटे को पीटने का आरोप यहां पर परिजनों ने लगाया है। घायल अवस्था में घर पहुंचा था छात्र, मां ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। कन्नौज की एक खबर आपको बता रहे हैं। साइकिल लड़का इसकी साइकिल छोड़ रही थी तो छूले थे, उसका लड़का गिर गया। उसके उसकी माँ मैंने फोन किया प्रिंसिपल के पास कि देखो कि मेरे लड़के की माँ पिक्चर हो गई। इस लड़के किसने मारा? प्रिंसिपल।